हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू फिज़िक्स क्लास। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर के अंदर हम बीएससी फर्स्ट ईयर का हम पेपर टू पढ़ रहे थे, ठीक है। तो पेपर टू के बारे में आज डिस्कस करेंगे। पेपर टू के अंदर हमने एलसीआर सर्किट के अंदर चार्जिंग तो हमने देख ली थी, ठीक है, कि कैपेसिटर के अंदर किस तरीके से चार्ज होता है जब हमारा इंडक्टर, कैपेसिटर और रेजिस्टेंस हमारा सीरीज़ में कनेक्ट होता है ना। हमने ये सारी चीज़ें पढ़ लिया। अब हम क्या करने जा रहे हैं, अब हमें उस कैपेसिटर की डिस्चार्जमेंट देखनी है कि किस तरीके से वो डिस्चार्ज होता है हमारा, ठीक है। हमें वो चीज़ इसके अंदर देखनी है। तो वो चीज़ देखने के लिए हम क्या करते हैं, वही सर्किट बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ कि हम सेकंड सेम कर रहे हैं, ठीक है। तो सेकंड सेम का हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, आपका डिस्चार्ज ऑफ ए कैपेसिटर इन ए एलसीआर सर्किट, ठीक है। डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर इन ए एलसीआर सर्किट। तो इसके लिए हमने क्या किया हुआ बेटा, हमने जैसे पहले किया हुआ था वैसे ही है। ये हमने इंडक्टर लगा दिया, ये हमने कैपेसिटर लगा दिया, ये हमारा रेजिस्टेंस हो गया, ये हमने एक की लगा रखी है, और ये हमने क्या किया, एक बैटरी के साथ इसको अटैच कर दिया, ठीक है। और ये हमारे पास ई, हमारे पास बैटरी होगी, ये हमारा इंडक्टर हो गया, ये हमारा कैपेसिटर हो गया, ये रेजिस्टेंस हो गया, और ये की हो गया, ठीक है। तो हमने जब एलसीआर सर्किट के अंदर कैपेसिटर के अंदर चार्जिंग देखी थी तो हमने क्या किया था, इस की को प्रेस कर दिया था। प्रेस करने के बाद ये सर्किट कंप्लीट हो गया और पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल का जो लूप बना उसके रिगार्डिंग हमने किरचॉफ्स वोल्टेज लो यहाँ पे अप्लाई कर दी थी और उसके बाद अपना सारा काम स्टार्ट कर दिया, ठीक है। लेकिन ये थोड़ा सा आपके लिए डिस्चार्ज ऑफ ए कैपेसिटर थोड़ा ईजी होने वाला है। क्यों? क्योंकि हमने चार्जिंग ऑफ ए कैपेसिटर जिस टाइप से किया था डिस्चार्ज होना भी वैसे ही होगा। सिर्फ फ़र्क क्या आएगा, इसमें EMF ई बैटरी नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि जब भी हम डिके करते हैं, डिस्चार्ज करते हैं, उस टाइम पे इस बैटरी को जो हमने पहले प्रेस की हुई थी उसको रिलीज कर देते हैं, है ना। तो अब क्या करेंगे, इस की को रिलीज करेंगे और रिलीज करने के बाद हमें क्या करना है, इसके अंदर सारा का सारा काम करना है जैसा हमने पहले एलसीआर सर्किट में किया था, राइट। तो अब पहले इसके बारे में थोड़ा सा लिख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि लिखने के बिना फिर हम इसको स्टार्ट कैसे करेंगे, है ना। तो कंसिडर ए circuit having an inductance L, capacitance C and resistance R which are connected in series with battery B of constant EMF E and या फिर throw A की K, ठीक है। अब इसके अंदर पहले कैपेसिटर की हमारी प्रेस थी और कैपेसिटर पूरा चार्ज हो गया Q नोट वैल्यू तक, ठीक है। द की K इज प्रेस्ड एंड कब तक प्रेस की हमने, टिल द कैपेसिटर इज चार्ज टू क्यू नॉट वैल्यू, एक कांस्टेंट वैल्यू, स्टेडी वैल्यू हमने क्यू नॉट वैल्यू ले ली, वहाँ तक इसको चार्ज किया है, ठीक है। अब क्या करना है, डिस्चार्ज करना है। तो बेटा डिस्चार्ज करने के लिए ये की जो आपकी प्रेस थी उसको रिलीज़ कर देंगे, रिलीज़ कर देंगे तो किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ इसके ऊपर अप्लाई कर देंगे, ठीक है। When the key K is released, capacitor start discharging through L and R, ठीक है। तो अगर ये हो रहा है L और R के उसमें and E is out of circuit, then apply Kirchhoff's
वोल्टेज लॉ इन सर्किट। ठीक है, तो किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ अगर हम अप्लाई कर देते हैं तो इसके अंदर इक्वेशन ऑफ ईएमएफ की आपकी क्या बनेगी, एल डी आई बाई डी टी प्लस में आर आई प्लस में क्यू बाई सी इज इक्वल टू ई लिखते थे ना, अब क्या लिख देंगे, ज़ीरो। ठीक है, अब ज़ीरो तो हमने लिख दिया, लेकिन हमें तो ये पता है कि हमें तो इसके अंदर चार्ज को क्या लिखना पड़ेगा, डी क्यू बाई डी टी की फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो डी क्यू बाई डी टी की फॉर्म में अगर आपने सॉरी करंट को डी क्यू बाई डी टी की फॉर्म में लिखा तो ये डी टू क्यू बाई डी टी का स्क्वायर बन जाएगा, प्लस में ये आर आई हमारा डी क्यू बाई डी टी हो गया और प्लस में क्यू बाई सी इज इक्वल टू ज़ीरो। लेकिन मैंने आपको ये बताया हुआ है कि इसका कोफिशेंट वन होना चाहिए, तो इसको क्या लिखोगे, डी टू क्यू बाई डी टी का स्क्वायर प्लस में आर बाई एल डी क्यू बाई डी टी प्लस में वन बाई एल सी इंटू क्यू इज इक्वल टू जीरो। अब लास्ट उसमें क्या किया था, वन बाई एल सी को तो ओमेगा स्क्वायर और आर बाई एल को टू बी कंसिडर किया था, तो हम वही लिखेंगे कि लेट आर बाई एल इज इक्वल टू टू बी और वन बाई एल सी इज इक्वल टू ओमेगा का स्क्वायर। ठीक है, तो वो हम अगर इसके अंदर पुट कर रहे हैं तो डी टू क्यू बाई डी टी का स्क्वायर प्लस में टू बी डी क्यू बाई डी टी प्लस में ओमेगा स्क्वायर क्यू इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, और ये कैसी है, दिस इज इक्वेशन ऑफ, कौन सी इक्वेशन है, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकेंड ऑर्डर। ठीक है, और इसका सॉल्यूशन आपको कंसिडर करना है, लेट इट्स ट्रायल सॉल्यूशन। तो अब इक्वेशन वैसी की वैसी ही बनी है जैसे हमने पहले की थी, बस ई का ही तो फर्क है, तो इसके अंदर फॉर्म तो वही बन रही है ना, वहाँ पे हमने जिस इसमें एक्स कंसिडर करना पड़ गया था, लेकिन अब इसमें उसकी ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि ई वाला फैक्टर एक्स्ट्रा है ही नहीं इसमें, तो हम क्यों उसको एक्स कंसिडर करें। ठीक है, तो इसका ट्रायल सॉल्यूशन ले लेते हैं, और ट्रायल सॉल्यूशन हम उसी तरीके का ले लेंगे, बस एक्स नहीं लिख रही मैं वहाँ पे, ए इंटू में ई की पावर ए टी, बस इतना लिख देती हूँ कि हमारा ये वाला ट्रायल सॉल्यूशन इसके अंदर आ रहा है। ठीक है, तो अगर ये है तो डी क्यू बाई डी टी किसके इक्वल हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे तो e की पावर ए टी, और अगर क्योंकि हमारे पास तो डी टू क्यू बाई डी टी का स्क्वायर भी तो है, तो एक बारी और भी करना पड़ेगा, तो a का स्क्वायर और e की पावर ए टी हमारे पास ये हो जाएगा। इन दोनों की वैल्यू इसमें पुट कर दूंगी, जब इसके अंदर पुट करूंगी मैं इसमें नहीं, हमारी ये वाली वैल्यू थी किसमें पुट करूंगी बच्चे बताओ, फर्स्ट इस वाली क्वेश्चन में। ठीक है, तो इसके अंदर पुट कर देते हैं, पुट दिस इक्वेशन इन फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, इन दोनों को हम फर्स्ट में पुट कर देते हैं तो रिजल्ट कितना आ जाएगा, ए ए का स्क्वायर ई की पावर ए टी प्लस में टू बी और ए ए ई की पावर ए टी प्लस में क्यू बाई सी इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब यहाँ से एक चीज़ देखो, क्यू बाई सी, क्यू को भी तो पुट कर रहे हैं, क्यू को क्या लिख रहे हैं, क्यू को लिख रहे हैं ए ई की पावर ए टी, तो आपको दिख रहा है ए ई की पावर ए टी मेरा कॉमन आ रहा है, अंदर ए का स्क्वायर प्लस में टू बी ए प्लस में यहाँ पे वन बाई सी आपका, या फिर वन बाई एल सी था ना वहाँ पे, सॉरी ये ओमेगा स्क्वायर था और ओमेगा स्क्वायर को वन बाई एल सी आपने लिखा हुआ था। ठीक है, तो आप इसको क्या लिखोगे, वन बाई एल सी को ओमेगा स्क्वायर, तो आप यहाँ पे सीधे क्या लिख दोगे कि ये ओमेगा स्क्वायर है। ठीक है, इज इक्वल टू जीरो। तो अब हमने लास्ट में भी देखा था ये फंक्शन तो मेरा टी का है, तो ये तो जीरो होगा नहीं, सिर्फ ये वाला किसके इक्वल हो जाएगा, जीरो के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो ए का स्क्वायर प्लस में टू बी ए प्लस में ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, तो वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसके ऊपर अप्लाई हो जाएगी। अप्लाई होने के बाद हमारे इसके दो रूट बनेंगे, माइनस में टू बी प्लस माइनस में अंडर द रूट ऑफ बी का स्क्वायर, यानी कि कितना हो जाएगा, फोर बी का स्क्वायर प्लस माइनस टू ए बी होता है ना, तो फोर ए बी, वो फोर ए सी, तो फोर ए आपका ये हो गया और सी आपका ओमेगा का स्क्वायर हो जाएगा। ओमेगा इसका कोफिशियंट तो वन है बेटा, तो वन और ओमेगा का स्क्वायर डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, 2a, तो 2a का कोफिशेंट 1। ठीक है, तो आपका इसमें से 2 4 कॉमन आ रहा है तो 2 ही हो जाएगा, 2 भी 2 2 ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो a के आपके जो दो रूट बनेंगे वो माइनस बी प्लस माइनस अंडर द रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो जो आपने सॉल्यूशन माना था ना बेटा, उसको मान लो कि ये आपकी सेकेंड इक्वेशन थी। ठीक है, तो पुट दिस इन इक्वेशन
सेकेंड, इसको मैंने सेकेंड इक्वेशन में पुट कर दिया, ठीक है। जब हम इसको सेकेंड इक्वेशन में पुट करेंगे तो मेरे जो रूट था अब कितना बन जाएगा, ए ई की पावर माइनस में बी प्लस माइनस अंडर द रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस में ओमेगा स्क्वायर टी, ठीक है। यहाँ तक करो एक बारी, ठीक है। आई होप आपने यहाँ तक कर लिया है। अब बच्चे हमारी सेकेंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है तो ऑब्वियसली सी बात है रूट भी उसको दो ही दिखाने पड़ेंगे, तो दो कौन से बन गए आपके, एक प्लस वाला और एक माइनस वाला। यानी कि अभी भी हमें इसके अंदर क्या करना पड़ेगा, ए ए से काम नहीं चलेगा। एक ए आपको सी वन कॉन्स्टेंट लेना पड़ेगा फॉर द फर्स्ट एंड सी टू कॉन्स्टेंट फॉर द सेकेंड वन, ठीक है। तो हम इसके अंदर वो सी वन सी टू की बजाय इसको ए वन ए टू ही ना लिख लें, ठीक है। तो आपकी क्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पे ए वन ई की पावर माइनस में बी प्लस में अंडर द रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर टी प्लस में ए टू ई की पावर माइनस में बी माइनस अंडर द रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस में ओमेगा स्क्वायर टी, ठीक है। अब यहाँ पे ये तो कॉन्स्टेंट्स आ गए, कॉन्स्टेंट्स को कैसे हटाते हैं, टी इज इक्वल टू जीरो लेके, ठीक है। तो फोर फाइंडिंग ए वन एंड ए टू कॉन्स्टेंट्स, लाइक द इनिशियल कंडीशन आपकी क्या थी, इनिशियल कंडीशन हमारी क्या थी कि व्हेन टी इज इक्वल टू जीरो। तो अब ये बेटा डिस्चार्ज का केस है, तो डिस्चार्ज के केस में जब टी इज इक्वल टू जीरो है आपका, तो आपका चार्ज क्या कैसा होगा कैपेसिटर पे, अभी मैक्सिमम है ना, जब मैक्सिमम चार्ज हुआ तभी तो डिस्चार्ज करवाना स्टार्ट करोगे। तो हमने कह दिया कि टी इज इक्वल टू जीरो पे ये कैसा है आपका, मैक्सिमम है, और टी इसमें पुट कर दो जीरो। टी जीरो होते ये सारी वैल्यू जीरो, किसी भी चीज़ की पावर जीरो वन, ये टी इज इक्वल टू जीरो होकर किसी भी चीज़ की पावर जीरो वन, इसका मतलब हमारे पास क्या हुआ कि क्यू इज इक्वल टू ए वन प्लस में ए टू का रिजल्ट आ गया। अब हमें क्या करना है, एक और भी तो इक्वेशन निकालनी पड़ेगी ना इसके अंदर से, तो उस इक्वेशन के लिए मैं इसको डिफरेंशिएट कर देती हूँ जैसे मैंने लास्ट क्लास में किया था, ठीक है। तो डिफरेंशिएट इक्वेशन थ्री विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, क्योंकि वो करंट बता देगा ना अपना, ठीक है, तो करंट बता देगा ये, तो करंट की इक्वेशन ले लेंगे, कोई नहीं करंट भी तो पता चल जाएगा कि कितना है हमारा उस टाइम पे, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, इसको डिफरेंशिएट करेंगे ये वाला फैक्टर आगे भी आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा माइनस बी प्लस में अंडर द रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर, और ई की पावर माइनस में बी प्लस में अंडर द रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर टी एज इट इज, ठीक है। फिर प्लस में ए टू, अब ये कॉफिशेंट फिर आगे आ जाएगा माइनस बी माइनस में अंडर द रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर, और ई की पावर में माइनस बी माइनस अंडर द रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर एज इट इज और टी के साथ में, ठीक है। तो इतना मेरे ख्याल से सबको आ गया होगा। अब ये भी तो है, जब टाइम टी इज इक्वल टू जीरो है करंट वहाँ पे कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि मैक्सिमम चार्ज आपका क्यू नोट है, तो करंट इसका डिफरेंशिएशन है वो तो जीरो हो जाएगा। तो अब ये वाला फैक्टर कितना हो जाएगा, जीरो, जब टी जीरो है तो करंट आपका कितना है, जीरो है, ठीक है। अब इस वैल्यू को यहाँ पे अप्लाई कर देंगे, ये तो जीरो हो गया, ये जीरो तो ये वन हो जाएगा, ये जीरो तो ये वन, तो ए टू इंटू में दिस फैक्टर, ए वन इंटू में दिस फैक्टर इज इक्वल टू जीरो, आपके पास बस इतनी टर्म बची है, ठीक है। तो इसको यहाँ पे पुट कर देंगे, तो पुट करने के बाद हमारे पास कितना आ जाएगा, जीरो इज इक्वल टू ए वन माइनस में बी प्लस में अंडर द रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस में ए टू माइनस बी माइनस में अंडर द रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि वो और जो थी टर्म वो तो यहाँ पे ई की पावर में यही टर्म इनटू में टी टाइम था, और टी तो हम जीरो लेके चल रहे हैं, तो ये आ जाएगा। अब क्या किया था आपने इसके अंदर, जब एलसीआर सर्किट के अंदर कैपेसिटर की ग्रोथ देखी थी, आपने बी के कॉफिशेंट अलग किए थे और अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर के अलग किए थे, तो वही यहाँ पे भी कर दीजिए। तो ये कितना हो जाएगा, जीरो इज इक्वल टू माइनस बी कॉमन ले लेते हैं ना, माइनस बी, तो यहाँ पे ए वन प्लस में ए टू ही आ जाएगा, और यहाँ से हम माइनस में लें या प्लस में, बच्चे प्लस में ले लेते हैं, ठीक है। प्लस में अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर को कॉमन कर दिया, तो इसके साथ तो ये ए वन और यहाँ माइनस था, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस के ए टू कॉफिशेंट, ठीक है। अब आपको ये तो पता ही है कि ए वन प्लस में ए टू आपका चार्ज क्यू के इक्वल था, क्यू नॉट के, ठीक है। यहाँ से निकाला था ना आपने ए वन प्लस ए टू, ये चार्ज क्यू इज इक्वल टू क्यू नॉट के इक्वल था, तो आप पुट कर दीजिए ना इसको, ठीक है। तो इसको पुट कर देते हैं कि ये वैल्यू और
कुछ नहीं, मेरी Q नॉट ही है, ठीक है। तो ये माइनस के बी क्यू नॉट प्लस में अंडर द रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर ए वन माइनस में ए टू इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से आप क्या निकाल सकते हो, ए वन माइनस में ए टू की वैल्यू निकाल सकते हो। कैसे, ये इधर ही रख लो, इसको उधर ले जाओ, तो ये बी क्यू नॉट अपॉन में अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस में ओमेगा स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से बचे आपके ए वन माइनस ए टू और ए वन प्लस ए टू, ठीक है, दोनों की वैल्यूज आपके पास आ गई हैं। तो थर्ड इक्वेशन इसको मान लीजिए, फोर्थ इसको मान लीजिए और फिफ्थ इसको मान लीजिए, ठीक है। अब ऐड एंड सब्ट्रैक्ट अगर करेंगे इन दोनों इक्वेशन को तो आपके पास क्या आएगा, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फोर एंड फाइव। तो इन दोनों इक्वेशन को अगर ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ए वन ए टू की वैल्यू आ जाएगी। तो ए वन लिख लीजिए क्यू नोट बाई टू और यहाँ पे वन प्लस में बी अपॉन में अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर। और इसी तरीके से ए टू की वैल्यू कितनी हो जाएगी, क्यू नोट बाई टू, बस यहाँ पे माइनस आ जाएगा, वन माइनस बी अपॉन अंडर रूट ऑफ, ठीक है। तो यहाँ पे आपका इतना आपके कांस्टेंट्स आ गए, जब कांस्टेंट आ गए तो चार्ज की वैल्यू पुट कर दीजिए, ठीक है। तो चार्ज की वैल्यू पुट कर देते बेटा इसमें, ठीक है। तो क्यू इज इक्वल टू क्यू नॉट, ए वन कॉन्स्टेंट था ना और फिर वो वैल्यू थी, फिर प्लस में ए टू कॉन्स्टेंट, फिर वो वैल्यू, तो ए वन कॉन्स्टेंट की वैल्यू लिख दी है हमने। ई की पावर माइनस बी प्लस में अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर टी और फिर प्लस में ए टू वाली, ए टू वाली टर्म कौन सी है, क्यू नॉट बाई टू वन माइनस बी अपॉन अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर। और यहाँ थी आपकी e की पावर माइनस बी माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर टी, ठीक है। तो यहाँ पे आपने बेटा सारी वैल्यूज पुट कर दी हैं और ये क्या आ गया आपका, चार्ज, ठीक है। तो ये एक्सप्रेशन किसका है, डिस्चार्जिंग ऑफ ए कैपेसिटर इन LCR सर्किट। तो दिस एक्सप्रेशन इज फॉर डिस्चार्जिंग ऑफ ए कैपेसिटर इन LCR सर्किट, ठीक है। तो अब क्या करना है हमें, इसके स्पेशल केसेस भी तो देखने पड़ेंगे जैसे हमने उसके देखे हैं, ठीक है। तो इसके स्पेशल केसेस ले लेते हैं। स्पेशल केसेस, स्पेशल केसेस में फर्स्ट केस लेते हैं। अब ये भी किस पे डिपेंड कर गया, इसी पे बी स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि यही एक वैल्यू इसमें रूट में है, ठीक है। तो ये इसके ऊपर ही डिपेंड कर गया कि बी स्क्वायर आपका ओमेगा स्क्वायर के इक्वल है, छोटा है या बड़ा है, ठीक है। तो वही केसेस लेके चलेंगे। हमने पहला केस लेके चल लिया, बी स्क्वायर इज ग्रेटर देन ओमेगा स्क्वायर। अगर बी स्क्वायर मेरा ओमेगा स्क्वायर के इक्वल हो गया तो हमें पता है जो भी कोफिशिएंट की वैल्यू आएगी इनकी, वो सबकी रियल आएगी, और रियल आएगी तो चार्ज क्योंकि हमारा क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो ये भी क्या करेगा, हमारा डिक्रीज ही करता रहेगा और टी इनफाइनाइट होएगा, तो चार्ज हमारा जीरो हो रहा था तो ये भी जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो ये कैसा होगा हमारा, और ये सीधा ही आएगा फिर वो डिक्रीजिंग में, तो इसके अंदर भी कोई ओसिलेशन नहीं होते, जैसा हमारा चार्जिंग कर रहे थे ना तो वो सीधी जा रही थी, अब ये सीधी नीचे आएगी, ठीक है। तो ना उसमें ओसिलेशन हो रहे थे ना इसमें ओसिलेशन होंगे, तो आप क्या लिखोगे कि हेयर बोथ द कोफिशिएंट ऑफ एक्सपोनेंशियल टर्म्स आर रियल एंड द चार्ज गोज ऑन डिक्रीजिंग टिल इट बिकम जीरो एट टी इज इक्वल टू इनफाइनाइट, ठीक है। एंड द चार्ज इज कॉल्ड डेड बीट और ओवर डैम्प्ड और नॉन ऑसिलेटरी, ठीक है। इनको हम ये वाली टर्म भी बोल सकते हैं, ठीक है।
सेकेंड केस लेके चलते बेटा। सेकेंड केस के अंदर हमारा बी स्क्वायर को ओमेगा स्क्वायर के इक्वल कर देते हैं। अब बी स्क्वायर को ओमेगा स्क्वायर के इक्वल कर दिया और ये टर्म हमारी प्लस में है, ये टर्म हमारी माइनस में है, तो वो कैंसिल आउट हो जाएगी। ए की पावर माइनस बी टी, ए की पावर माइनस बी टी, इस तरीके से यहाँ पे बच जाएगा क्योंकि ये वाली टर्म तो हमारी जीरो ही हो जाएगी। ठीक है, तो ए की पावर माइनस बी टी तो हम कॉमन लेना चाहेंगे तो कॉमन ले लेंगे, क्यू नॉट बाई टू तो मेरा कॉमन आ ही रहा है। ठीक है, तो एक बार इतना लिख लेते हैं, अगर ये है तो चार्ज q इज इक्वल टू q नोट बाई टू e की पावर माइनस में बी टी और अंदर वन प्लस में b अपॉन में अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस में ओमेगा स्क्वायर माइनस में प्लस में वन माइनस में बी अपॉन अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर, ये हो रहा है, ये इसे कैंसिल आउट हो गया, टू बच गया, टू से टू मेरा डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, कैंसिल आउट हो गया ना, तो कैंसिल आउट हो गया तो ये टर्म कितनी बच गई आपकी, q इज इक्वल टू q नॉट e की पावर माइनस में बी टी। ठीक है, तो इसको लिख लीजिए, q इज इक्वल टू q नॉट e की पावर माइनस में बी टी, और क्योंकि आपको यहाँ पे b की वैल्यू पता है r बाई टू एल है ना। ठीक है, क्योंकि आपने r बाई एल को 2 भी पुट किया था तो b की वैल्यू r बाई टू एल हो जाएगी, r बाई एल को 2 भी पुट किया था तो b इज इक्वल टू r बाई टू एल, तो यहाँ पे ये किसके इक्वल हो गया, q नॉट e की पावर माइनस में r बाई टू एल इंटू टी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसके अंदर भी ये हमारी क्रिटिकल डैम चार्ज वैल्यू दिखाती है। ठीक है, तो ना तो इसके अंदर हम उसको ये बोलेंगे कि भाई ऑसिलेट कर गया, ना हम ये कहेंगे कि भाई एकदम सीधा उसमें जा रहा है। ठीक है, क्योंकि कोई साइन वगैरह को साइन की टर्म वगैरह या कॉस की टर्म जब तक नहीं आएगी ना, तब तक हम इसके अंदर नहीं बोल सकते कि भाई ये हमारा ऑसिलेट करेगा। ठीक है, क्योंकि एक हमें इनका ग्राफ पता होना चाहिए ना कि कैसे किस टाइप का होता है। ठीक है, तो ये ऑसिलेशन का नहीं दिखाएगा। ठीक है, तो दिस इज क्रिटिकली डैम्प्ड चार्ज विच इज नाइदर ऑसिलेटरी नॉर डेड बिट। ठीक है, अब क्या करना है, हमें इसका थर्ड केस लेके चलना है। ठीक है, तो थर्ड केस लिखिए, थर्ड केस कौन सा हो जाएगा बेटा, फर्स्ट आपने बी को ग्रेटर लिया है, सेकंड में बी को इक्वल ले लिया, थर्ड में लेस लेना पड़ेगा। थर्ड में लेस लोगे तो वही वाली बात है, इसके अंदर लेस कर दिया तो मतलब ये छोटा हो गया, यानी कि माइनस साइन रूट के बाहर आएगा, रूट के बाहर माइनस साइन आएगा तो आइटा भी आएगा, आइटा के लिए हमने पिछली बार भी सॉल्व किया था और उसको एक टर्म को हमने फिर ओमेगा डैश मान लिया था, इसको ओमेगा ना लिख के, तो वही वाली वैल्यू हमें यहाँ पे भी काम करना पड़ेगा। सिर्फ एक ई तो नहीं है बैटरी, ई का तो नहीं है बस, और तो सारी चीज वही चल रही है। तो आप इसमें कहोगे कि व्हेन बी स्क्वायर इज लेस देन ओमेगा स्क्वायर, तो हमारी जो वैल्यू है बी स्क्वायर माइनस दिस, ये हमारी इमेजिनरी हो गई। ठीक है, और अगर ये इमेजिनरी हो गई तो अंडर रूट ऑफ दिस माइनस दिस इज इक्वल टू माइनस के मतलब रूट में आएगा, तो इसको मैं आइटा लिख लेती हूँ, आइटा की बजाय मैं इसको जे लिख देती हूँ, और अंडर द रूट ऑफ ओमेगा स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर, इसको मैंने ओमेगा डैश मान लिया, तो ये मेरा कितना हो गया जे ओमेगा डैश, इसको मैंने ये कंसिडर कर लिया। ठीक है, तो इसको जे ओमेगा डैश लिख दिया। अगर जहाँ जहाँ पे भी आप इसको जे ओमेगा डैश लिख रहे हो बेटा, जहाँ ये चीज आएगी ना वहाँ पे आपको जे ओमेगा डैश लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो जहाँ पे भी ये आएगा तो आपकी जो इक्वेशन है इसको नाम दे दीजिए कि ये सिक्स्थ है, तो इक्वेशन सिक्स बिकम, इक्वेशन सिक्स बिकम कितनी, क्यू इज इक्वल टू क्यू नॉट बाई टू वन प्लस में बी अपॉन में जे ओमेगा डैश, क्यू इज इक्वल टू क्यू नॉट बाई टू वन प्लस में बी अपॉन में, इसको जे ओमेगा डैश बोल रही हूँ, और प्लस में इसकी वैल्यू को फिर वो पुट कर देंगे आइटा वो जे वाली। ठीक है, तो ये कितनी हो जाएगी, जे ओमेगा डैश ई की पावर माइनस बी प्लस में जे ओमेगा डैश टी। ठीक है, और प्लस में q नॉट बाई टू वन माइनस बी अपॉन में जे ओमेगा डैश e की पावर माइनस बी माइनस में जे ओमेगा डैश इंटू में टी। ठीक है, तो आप इसको क्या लिखोगे, q नॉट बाई टू e की पावर माइनस में बी टी e की पावर जे ओमेगा डैश टी प्लस में बी अपॉन में जे ओमेगा डैश e की पावर जे ओमेगा डैश टी e की पावर माइनस जे ओमेगा टी डैश,
और माइनस में बी अपॉन में जे ओमेगा डैश ई की पावर माइनस जे ओमेगा डैश टी। ठीक है, अब क्या काम करती हूँ, इनके अंदर इस टू को ना इसके अंदर ले जाती हूँ, इसको और इस टर्म को मिला के एक इनके नीचे टू लिख दूंगी और इसको और इसके करके टू लिख दूंगी। ठीक है, नेक्स्ट वाले में ही कर देती हूँ इसको। तो आपका ये कितना बन गया बेटा, ये बन गया हमारा Q इज इक्वल टू क्यू नॉट e की पावर माइनस बी टू, तो हमारा था ही कॉमन। ठीक है, और दो दो वाली टर्म e की पावर j ओमेगा डैश t प्लस में e की पावर माइनस में j ओमेगा डैश t डिवाइडेड बाय टू, टू क्योंकि बाहर कॉमन है तो दोनों टर्म में था इसीलिए तो कॉमन ले पाए हैं। तो b ओमेगा डैश e की पावर j ओमेगा डैश t माइनस e की पावर माइनस j ओमेगा डैश t डिवाइडेड बाय टू j। ठीक है, ये हमारा आ गया था। तो हमने यहाँ देखा था लास्ट में भी, ये कॉस की टर्म है, ये साइन की टर्म है, तो हम इसको ही इसी फॉर्म में लिख देंगे, क्यू इज इक्वल टू क्यू नॉट ई की पावर माइनस में बी टी कॉस ऑफ ओमेगा डैश टी प्लस में बी बाय ओमेगा डैश, ये कौन सी हो गई, साइन की टर्म। ठीक है, साइन एंगल कौन सा है, ओमेगा डैश टी। ठीक है, तो इतना इसके अंदर हो गया। तो वही वाली बात है, पहले वाली की तरह इसको कॉमन लेना है, तो ओमेगा डैश को ना मैंने कॉमन कर दिया, कॉमन कर दिया तो यहाँ पे भी आ गया ये। ठीक है, तो ये कितना आ गया, क्यू इज इक्वल टू क्यू नॉट ई की पावर माइनस बी टी बाई ओमेगा डैश कॉस ऑफ ओमेगा डैश प्लस में बी साइन ऑफ ओमेगा टी। ठीक है, अब क्या करा था हमने लास्ट वाले में भी, हमें इसमें दो उसमें नहीं चाहिए, क्योंकि अगर इस तरीके की हो तो हम उसकी ओसिलेशन नहीं दिखा पाएंगे, तो इसको एक चीज़ में कन्वर्ट करना पड़ेगा। एक के लिए कन्वर्ट करने के लिए ये जो आपके दो फैक्टर हैं इनको कुछ कंसिडर कर लेते हैं, ताकि ये कॉस या साइन का फॉर्मूला बना जाए। ठीक है, तो हमने कंसिडर लिया कि लेट ओमेगा डैश इज इक्वल टू आर कॉस थीटा और बी को हमने आर साइन थीटा पुट कर दिया। अगर ये हमारे पास है तो आर की वैल्यू तो अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर थी ना, और ओमेगा डैश के लिए हमने किया है तो ओमेगा डैश ये वाला हो गया। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा हमारा, ओमेगा के इक्वल आ जाएगा, क्योंकि अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस में आपका ओमेगा स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ओमेगा डैश का स्क्वायर है, तो वहाँ से हमने इसको ये पुट कर दिया। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये वाली चीज़ ही आ जाएगी, और टेंजेंट थीटा आपका कितना है, बी बाय ओमेगा डैश, तो इन दोनों को करेंगे तो वो कितना आ जाएगा, बी अपॉन में अंडर रूट ऑफ ओमेगा डैश की वैल्यू कितनी है, ओमेगा स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी ये वैल्यू आ जाएगी। तो आपने क्या किया, इन दोनों वैल्यूज़ को यहाँ पे पुट कर दिया। ठीक है, इसको मैंने सेवन्थ इक्वेशन मान ली, पुट इट इन इक्वेशन सेवन। ठीक है, सेवन्थ में अगर पुट कर देंगे तो हमारे पास इक्वेशन क्या हो जाएगी, क्यू इज इक्वल टू क्यू नॉट और यहाँ कितना हो गया, ई की पावर माइनस में बी टी डिवाइडेड बाई ओमेगा डैश, और यहाँ कितना हो गया, ओमेगा डैश की वैल्यू को पुट कर दीजिए बेटा, वो कितनी हो जाएगी, आर कॉस थीटा इंटू में कॉस ऑफ ओमेगा डैश टी प्लस में ये बी की वैल्यू पुट करेंगे, आर साइन थीटा इंटू में साइन ओमेगा डैश टी। ठीक है, ये इक्वेशन होगी, और ये किसके अंदर, इसमें आर कॉमन आ रहा है तो मैं यहाँ से हटा के डायरेक्टली लिख रही हूँ यहाँ पे आर कॉमन, और ये कॉस ए कॉस बी प्लस में साइन ए साइन बी, किसका फॉर्मूला, कॉस ए माइनस बी का, तो इसको डायरेक्ट लिख दूँ मैं नीचे यहाँ पे, ये कितना हो जाएगा, कॉस ऑफ ओमेगा डैश माइनस में थीटा। तो आपका क्यू इज इक्वल टू क्यू नॉट ई की पावर माइनस में बी टी डिवाइडेड बाई ओमेगा आर कोस ऑफ ओमेगा डैश टी माइनस में थीटा आपका रिजल्ट बन गया। अभी और भी कर रहे हैं, ठीक है, और क्या कर रहे हैं, हमें ये पता है आर हमारा ओमेगा के इक्वल होता है, तो हम क्या कर देंगे, इसको ओमेगा पुट कर देंगे। ठीक है, और ओमेगा तो हमारा ओमेगा बाय ओमेगा डैश की फॉर्म में होगी, ओमेगा डैश भी हमें पता है क्या होता है, तो हम इसको ओमेगा डैश में नहीं लिखेंगे अब। ठीक है, हमारी किस फॉर्म में, जो हमारी ओरिजिनल थी ना, हमारी उसी फॉर्म में, आर और उसकी फॉर्म में ही लिखेंगे। ठीक है, के बी और डब्ल्यू की फॉर्म में। ठीक है, तो क्यू इज इक्वल टू क्यू नॉट ई की पावर माइनस में बी टी अपॉन में ओमेगा डैश, किसको कंसिडर किया था, ओमेगा स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ही तो ले रखा था। ठीक है, ओमेगा कॉस ऑफ, ये कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ ओमेगा स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर टी माइनस में थीटा। ठीक है, तो यहाँ तक देखो, तो ये जो इक्वेशन आई है वो हमारे लास्ट जैसे हमने किया था वैसे ही आई है, तो और इसके अंदर ये है, तो जैसा हमारा कॉस की टर्म में वो हमारा करता है उसी तरीके से ये डिक्रीजिंग उसमें क्या करेगा, हमारा ऑसिलेशन प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, तो इसके अंदर आप क्या कहोगे, दिस इज द डैम्प्ड ऑसिलेटरी चार्ज, दिस इज इक्वेशन फोर डैम्प्ड ऑसिलेटरी चार्ज।
ठीक है। और इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी बेटा, न्यू इज इक्वल टू ओमेगा डैश बाई 2 पाई, ओमेगा डैश ओमेगा स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर बाई 2 पाई, ठीक है। तो आप ओमेगा और इसकी वैल्यू को पुट कर दीजिए यहाँ पे, तो 1/2π अंडर रूट ऑफ ओमेगा कितना है, 1/ एल सी तो था, ठीक है, माइनस में बी स्क्वायर कितना था, आर अपॉन में 2L, और स्क्वायरिंग है तो 4L का स्क्वायर, ठीक है। तो जब आप इसके अंदर ये कह दोगे कि R आपका कितना है 0, तो फ्रीक्वेंसी तो आपकी वही पहले वाली ही आ जानी है, ठीक है, जैसा आपने उसके लिए निकाली थी, किसके लिए, LC ऑसिलेटर के लिए। अगर आप ये कह दो ना कि रेजिस्टेंस नहीं है 0 है, तो LC ही अप्लाई होएगा, तो LC ऑपरेटर की हमारी क्या हो जाती है, फ्रीक्वेंसी ये हो जाती है। और अगर LC R तीनों होते हैं तो आपकी फ्रीक्वेंसी इससे दी जाएगी, ठीक है। तो अब इसका ग्राफ कैसे बनेगा, इसका डिक्रीजिंग ऑर्डर में बनेगा ग्राफ, ठीक है। तो ये अगर मेरा क्यू नोट था, क्योंकि अब डिस्चार्ज तो यहीं से ही दिखाना पड़ेगा, कहाँ तक जाएगा, जीरो वैल्यू तक। तो पहली वाली जो टर्म है वो तो ये कहती है कि सीधा ही हमारा इसके अंदर जीरो की वैल्यू पे चला जाएगा, ठीक है, तो हमारा सीधा जीरो की वैल्यू पे चला जाएगा, ठीक है। दूसरा वाला ये कहता है कि धीरे धीरे करके हम बता ही नहीं सकते कि भाई कौन से उसमें किससे, ना वो हमारा सीधा गया और ना वो हमारा डैम्प्ड हुआ है, ठीक है। तो ये आपका पहले वाले के लिए है, ये आपका सेकंड वाले के लिए है। तीसरे वाले के अंदर क्या होगा, धीरे धीरे ये जाए तो गा, लेकिन ये हमारा पूरा वो नहीं होएगा, ये हमारा ओसिलेट करेगा, क्योंकि ये हमारा फिर कॉस की टर्म में आ गया ना, तो ये इस तरीके से क्या करेगा, हमारा ओसिलेट करेगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।